another video. I hope you guys are doing great. So, title और thumbnail से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली हो गई कॉन्टेंट की कमी। आई एम मेकिंग दिस व्हाट्स इन माय बैग। अभी बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए कि आप ये वीडियो बनाओ, सो जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो तो है, लेकिन जो भी है तो आइए देखते हैं मेरे बैग में ऐसे कौन से चीज है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो या Let's do it. So, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं that my name is Poonarna Badha. I'm a second year law student at ICFAU University of Tripura. So basically, today in this video, I'll be sharing with you the things which I carry in my bag. बहुत ज़्यादा expensive चीज़ें मेरे बैग में। तो सबसे पहला चीज़, बाप रे, ये बैग है which was gifted to me by my mom on my birthday. नीला सा बैग। यूनिवर्सिटी ही नहीं, हर जगह कैरी करती हूँ क्योंकि मेरा एक हैबिट है, मैं बैग के बिना कहीं जा नहीं सकती। अगर मैं कहीं पे घूमने जा रही हूँ तो बैग कैरी करती हूँ, शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो बैग कैरी करती हूँ, मतलब कहीं भी जा रही होती हूँ तो बैग ज़रूर मैं कैरी करती हूँ, पता नहीं क्यों। एनीवेज, अभी जितने भी चीज़ें आप देखोगे इस बैग में, इन सारी चीज़ों में ये बॉटल और एक नोट कॉपी है, वो मतलब ये दोनों मैंने आज सुबह ही डाला है क्योंकि मतलब कल मैं यूनिवर्सिटी गई थी और आके मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करी थी तो नोटबुक की ज़रूरत पड़ी थी, तो वो नोटबुक मैंने फिर से बैग में डाल दिया क्योंकि वो चीज़ें भी मैं कैरी करती हूँ। तो एनीवेज, इन दोनों के अलावा जो भी चीज़ें मेरे बैग में हैं वो वैसे की वैसे ही है। तो एनीवेज, तो शुरू करते हैं बैग अनबॉक्स जो भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहला चीज़ जो मेरे बैग में वो है ये एक मिल्टन का बोतल जो कि मैंने एक लोकल शॉप से खरीदा था। तो एनीवेज, ये रहा मेरा पहला चीज़ जो मैं कैरी करती हूँ, जो कि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कैरी करना। सो एनीवेज, हाँ, तो एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में आज बहुत ज़्यादा बकवास होने वाली है। तो ये सबसे पहला चेन खोलते हैं और देखते हैं सबसे पहले चेन में है क्या चीज। ओ माय गॉड, बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज है गाइस, तो दिखा देते हैं। सबसे पहला चीज जो है वो है ये फोन का बैक कवर जो कि मैंने कल ही क्लास में खोल के रखा हुआ था, लेकिन कल मैंने खोल के रखा था इसलिए बैग में रह गया। द फर्स्ट आइटम। द सेकेंड वन इज दिस टू मास्क। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हो आपको पता होगा क्या ही वेयर दिस मास्क। ये एक्स्ट्रा है क्योंकि मुझे मास्क घुमा देने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत है। अगेन, सो इसीलिए दो दो मास्क जरूरत पड़ती है भाई, इग्नोर थोड़ी कर सकते इस चीज़ को। थर्ड थिंग की ओर जाते हैं। थर्ड थिंग है ये बैंड जो कि है MI Band 4 जो कि मैंने 2020 को ही खरीदा था। सो दिस इज द सेकंड थिंग। ये मैं वैसे कैरी नहीं करती, मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी से घर आती हूँ तब मैं बैग में रख देती हूँ क्योंकि मतलब घुमा देने की आदत है, तो मम्मी ने सजेस्ट करी कि बैग में ही रखा करो तो मिल जाएंगी, सो इसीलिए मैं इसको बैग में ही रखती हूँ। तो या मतलब बोल सकते हैं इसको मैं कैरी करती हूँ। या सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस हाइलाइटर जो कि मैं हमेशा कैरी करती हूँ क्योंकि क्लास में ज़रूरत होती है। सो या इसमें क्या ही बोलूँ। सो या नेक्स्ट आइटम है, ओ माई गॉड गाइस, ये पर्स। मेरे बैग में पर्स है लेकिन एक चीज़ दिखाती हूँ, ये रहे पैसे। अमीरी देख रहे हो, मतलब कहीं से भी पैसे निकल रहे हैं। सो एनीवेज, बैग के अंदर बैग मिला है तो देखते हैं इस बैग में क्या है। सो इस बैग में है ओ माय गॉड बहुत सारे पैसे। ओ माय गॉड बहुत सारे पैसे है गाइस। कुछ कॉइन्स वगैरह है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा डेबिट कार्ड है और एक रुपए का नोट और तो कुछ दिख नहीं रहा, एक बिल है और कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा। सो इसमें क्या बोलूं। सो द नेक्स्ट वन इज दिस आईडी कार्ड जो कि हर एक कॉलेज गोइंग या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट को जरूरत होती है और इसके बिना एंट्री भी नहीं मिलती। इस बहुत ज्यादा बकवास हो रही है गाइस, बहुत ज्यादा। सो एनीवेज, द अनदर आइटम इज दिस पेन। मैं पहले स्कूल में पाउच बॉक्स कैरी करती थी लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैं ये बस पेन ही लेके जाती हूँ क्योंकि पेन वही मतलब घुमा देती हूँ। सो नेक्स्ट आइटम है ये अपना एक बस कार्ड है, बस पास है जो कि हर एक स्टूडेंट को दिया जाता है मेरी यूनिवर्सिटी में, जो लोग बस में आते जाते हैं यूनिवर्सिटी में उनके लिए। और फोटो में दिखा नहीं सकती। दिस इज द नेक्स्ट आइटम विच आई कैरी। ये हाँ, ये हो चुका है खाली। अभी नेक्स्ट मतलब पॉकेट चेन या जो भी बोलते हैं इसको, देखते हैं। ओ माय गॉड, इसमें बहुत बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ है, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो द फर्स्ट थिंग इज दिस विच इज़ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब सीरियसली लोग जूनियर है या फिर लॉ परस्यू करना चाहते हैं तो क्लास में टेक्स्ट बुक नहीं ले जा सकते, तो एटलीस्ट बैरेक कैरी करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एज ए लॉ स्टूडेंट।
ओके सो द नेक्स्ट आइटम ये सी आप इस नोटबुक की मैं बात कर रही थी जो कि मैंने कल ही पढ़ाई करने के लिए खोला था. क्लासमेट हैज नॉट स्पॉन्सर्ड दिस. सो या ऐसे नोटबुक्स में फर्स्ट ईयर से कैरी करो जो कि बहुत अच्छा है. सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू टू बाई वन ऑफ दिस नोटबुक नॉट स्पॉन्सर्ड वंस अगेन. सो या दिस वॉज द अनादर आइटम. द नेक्स्ट आइटम इज दिस जो कि अनादर बैरेक्ट है जो इंस्टीट्यूशन का बैरेक्ट जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है. सो या दिस इज द नेक्स्ट आइटम विच आई कैरी. ये तो सबको पता ही होगा. सो इसमें और क्या ही बोलना. और दूसरी चीज़ जो मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ वो है ये जो कि एक ब्लेजर है. ये लॉ स्टूडेंट को कैरी करना पड़ता ही है. गर्मी हो ठंडी हो कैरी करना पड़ता ही है. पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए. वैसे तो गर्मी के दिनों में शर्ट ऐसे ही पहनते हैं लेकिन पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए तो वी हैव टू वेयर दिस ब्लेजर. सो या मैं हमेशा कैरी करती हूँ इसको. द लास्ट आइटम विच आई कैरी इन माय बैग इज दिस पाउच फाइल या कुछ तो इसको बोलता है. फॉरगॉट आई डोंट रिमेम्बर द नेम. तो या इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं. कॉलेज के एडमिशन जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम का रिसीट उसके बाद वो प्रॉस्पेक्टस आधार कार्ड मेरा जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे लाइफ में अभी तक जितनी भी चीज़ें वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं. क्योंकि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इस बैग में हमेशा रखती हूँ. और इस बैग से पहले भी मैं जो बैग यूज़ करती थी उसमें भी मैं ये चीज़ें मैं हमेशा कैरी करती थी. मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो ये रहता है बैग में. ट्रिप पर जा रही हूँ तो ये रहता ही है बैग में. हमेशा रहता है पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए. तो सो यार और इस बैग में तो कुछ और दिख नहीं रहा है वैसे. सो यार इस बैग में इस चेन में तो कुछ है ही नहीं. सो यही कुछ चीज़ें जो कि मैं कैरी करती हूँ. पर अभी तक मतलब अच्छे से अभी तक अपना क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है तो और क्या क्या चीज़ें कैरी करूँ अभी तक तो मालूम नहीं है. लेकिन जब तक क्लासेस अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आई थिंक आई हैव टू कैरी माई आईपैड. हाँ एक और बात, कभी कभी मैं अपना आईपैड भी कैरी करती हूँ क्योंकि वो भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है. सो अभी मैं कैरी नहीं कर रही हूँ क्योंकि उतने अच्छे से क्लास अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है तो इसकी वजह से आई एम नॉट कैरिंग दैट. एक और चीज़, जब भी मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ मैं ये ईयरफोन में कैरी करती हूँ जो कि अभी बैग में नहीं था तो मैंने दिखाई नहीं बैग के अंदर से ये भारी था. तो मतलब हाँ ये ईयरफोन मैं कैरी करती हूँ जब भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ क्योंकि बस में आते टाइम गाना वगैरह सुनना रहता है तो इसीलिए. विच इज़ अ रियली वेरी गुड ईयरफोन. अगेन दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड. रियलमी का ईयरफोन है. सो या दिस वर फ्यू आइटम्स विच आर कैरी इन माई बैग अभी तक. बाद में और क्या क्या चीज़ें कैरी करने पड़ेंगे अभी तक नहीं पता लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर तक अभी तक ये चीज़ें मैं कैरी करती आ रही हूँ. बस बैरेक्ट मतलब सब्जेक्ट्स को छोड़ के क्योंकि ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स तो डिफरेंट होंगे तो बाकी जो भी चीज़ें अभी तक मैंने दिखाया है एक्सेप्ट द बैरेक्स सारे चीज़ें सेम है. वही सेम चीज़ें मैं फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक मैं कैरी कर रही हूँ अपने बैग में. अभी क्लासेस जब अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद और भी चीज़ें कैरी करना पड़ेगा वो भी मैं आपको कभी किसी और वीडियो में दिखा दूँगा. और क्या दिखाओ यार, जो है वो है, मतलब क्या ही करूँ. सो दिस वर फ्यू आइटम्स दैट आर कैरी इन माई बैग. दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना मत भूलना. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी. सी यू इन द नेक्स्ट वन.